हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आज अपन बात करने वाले हैं 2018 हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना, डेस्टिनी 125। आप लोगों को पता होगा कि हीरो डूइट 125 आने वाली है, पर गाइज अब जो है हीरो ने इसका नाम चेंज करके जो है डेस्टिनी 125 रख दिया है। तो गाइज ये गाड़ी कब लॉन्च होगी, क्या फीचर्स होंगे, क्या स्पैक्स होंगे, क्या ब्रेकिंग सस्पेंशन सेटअप होंगे, गाड़ी का लुक कैसा होगा, सभी के बारे में इस वीडियो में जो है अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ, गाड़ी को जो है 2018 जो है ऑटो एक्सपो में शोकेस्ट किया गया था। इसको जो है डूइट 125 के नाम से और मैस्ट्रो एज 125 के नाम से भी एक और गाड़ी शोकेस्ट की गई थी, पर अब जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में डूइट 125 को डेस्टिनी 125 के नाम से जो है लॉन्च किया जाना है। गाड़ी को जो है कंप्लीटली उसी के ऊपर जो है नॉर्मल जो डूइट 110 अपन यूज कर रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड जो है बनाया गया है। कंप्लीटली उसकी डिजाइन वगैरह पूरी सिमिलर है, उसके जैसी ही है, पर अब ये जो है 125 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो है लॉन्च होने वाली है। आप अगर देखेंगे साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की तो कम्प्लीटली आपको जो है सेम दिखेगी। फ्रंट प्रोफाइल देखने में एक बार लोगों को लग सकता है कि नहीं, जो 2018 एक्टिवा 125 आई है उसके जैसी दिख सकती है गाड़ी, पर इसके अंदर जो है हेलोजन लैंप है और जो नई 2018 होंडा एक्टिवा है उसके अंदर LED लैंप है। पर हाँ, कहीं ना कहीं देखने में गाड़ी वैसी लगती है क्योंकि क्रोम की गार्निश वगैरह जो है गाड़ी के अंदर भी जो है उसी हिसाब से दी गई है। साथ ही अगर मैं व्हील्स की बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है नॉर्मल 10 इंच के जो है अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो कि 90x100 सेशन के टायर्स रहेंगे आगे और पीछे दोनों साइड में। अगर ब्रेक्स की बात करूं तो आगे जो है आपको 130mm का जो है ड्रम ब्रेक मिलने वाला है और रियर में भी जो है आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होने वाला है। अगर गाड़ी के कर्व वेट की बात करूं तो गाड़ी का कर्व वेट 111.5 kg का जो है रहने वाला है। साथ ही अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशन की, तो इस गाड़ी के अंदर जो है आपको 124.5 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है जो प्रोड्यूस करेगा 8.7 bhp की पावर 6750 rpm पे और 10.2 Nm का टॉर्क 5000 rpm पे। गाड़ी के अंदर जो है CVT गियरबॉक्स मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है नॉर्मल 125 cc की जो स्कूटर्स अपन यूज कर रहे हैं उसी की जैसी जो इसके अंदर मिलेंगे। गाड़ी के जो ट्रंक में जो है आपको 18 लीटर का जो स्पेस मिल सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर जो है स्टोरेज के अंदर जो है आपको एक बूट लैंप भी मिलेगा, साथ ही वहाँ पे जो है 12 वोल्ट का जो है सॉकेट भी मिलेगा जिससे आप जो है अपना मोबाइल वगैरह जो है चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, रियर में जो है आपको सिंगल साइडेड जो है आपको शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा और रियर में आपको LED टेल लैंप मिल जाएगी। फ्रंट में जो है नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलेगा, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सर्विस रिमाइंडर का भी जो है आपको वार्निंग मिल जाएगी, साइड स्टैंड वार्निंग भी जो है आपको इसके अंदर दे दी जाएगी। साथ ही इसके अंदर जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का भी जो है फीचर रहेगा। अगर कलर्स की बात करूं तो ब्लैक, रेड, ब्रॉन्ज और पर्ल व्हाइट सिल्वर कलर के अंदर जो है गाड़ी अवेलेबल रह सकती है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 1245mm का जो है व्हील बेस मिल जाएगा, 155mm की जो है ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगी और 5.5 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिल जाएगा। गाड़ी की माइलेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको काफी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। वो रीजन ये रहेगा कि हीरो की i3S टेक्नोलॉजी जो कि आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है उसके साथ में जो है गाड़ी आने वाली है। मतलब ये पहला स्कूटर रहेगा पूरे इंडिया में जो इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है आएगा। इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप जैसे रेड लाइट वगैरह पे रुकते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है कुछ सेकंड के बाद में बंद हो जाएगी और जैसे आप अगर ब्रेक रिलीज करते हैं या रेस वगैरह देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इंजन वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो होगा ये कि अगर आप गाड़ी को खड़ी रखते हैं ज्यादा टाइम तक तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आपको जो है स्विच ऑफ कर लेती है, उसमें जो है आपका फ्यूल सेव होता है और इस रीजन से जो है कई बार आपका जो है माइलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है सिटी में माइलेज मिल जाएगा और लगभग जो है आपको 40 से 45 का जो है ऑन रोड हाईवे पे जो है आपको माइलेज मिल जाएगा। तो गाइस लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की और लॉन्चिंग की। तो गाइस इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है वो लगभग जो है 57,000 से 59,000 रुपीज के बीच में रहने वाली है। साथ ही जो इसकी लॉन्च डेट है तो वो अभी एग्जैक्ट कंपनी ने जो है कंफर्म नहीं बताई है, पर सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में और दिवाली तक तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग जो है इसकी डिलीवरी ले चुके होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपके काम में आएगी, आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स नेबर्स के साथ में जिनके साथ आपको करना है, जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और गाइस अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो वो रेड वाला बटन है उसको प्रेस करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि रोज ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप मिस नहीं करें। साथ ही मेरी वेबसाइट है vyavasthit.com जहां पर जाकर आप जो है ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड और टेक रिलेटेड कंटेंट रीड कर सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में। और गाइस अगर आपको ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना या मेरे सोशल मीडिया के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ के आप मुझे ज्वाइन करके पर्सनली जो है अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।